नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने घरेलू उपाय में बहुत ही आपके लिए बहुत ही उपयोग वाली चीज़ लेके आए हैं, जो हमारे गालों पे या हमारे कहीं भी मस्से की समस्या होती है। मस्सा दिखने में तो बहुत ही आम रहता है, लेकिन वो हटता नहीं है जल्दी। ये समस्या को हम दूर करने के लिए बहुत ही सॉलिड सा और बहुत ही आसान सा आपके लिए घरेलू उपाय लेके आए हैं। इसमें से कोई भी उपाय आप अगर ट्राई करेंगे तो आपके मस्से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और दोबारा उस जगह पर मस्से नहीं आएंगे। चलिए देखते हैं हमारा ये कौन सा घरेलू उपाय है। हमारे घरों में केले अक्सर यूज होते हैं, हमारा घरेलू उपाय नंबर वन। चलिए देखते हैं फिर। हाँ तो भाई, हमारे घरों में केले अक्सर उपयोग होते हैं। ये केले बहुत ही कारगर हैं। आप चेहरे पर लगाओगे तो अलग ही ग्लो आएगा, और इसकी दवाइयों में भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके ये जो छिलके होते हैं, ये छिलके आप मस्से वाली जगह ऐसे ऐसे रगड़ेंगे, जब कुछ नहीं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन आप अगर ऐसे ही रगड़ेंगे तो ये मस्से खुद ही गायब हो जाएंगे। और अगर उस जगह दाग होगा तो आप इसी से रगड़ते रहिएगा, वो दाग भी हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। है ना, हमारा ये केला खाने में भी हेल्दी और लगाने में भी हेल्दी। इससे चेहरे पर बहुत ही ग्लो आता है। मैंने एक बनाना फेशियल भी आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेडीज और जेंट्स उसे दोनों ही यूज कर सकते हैं। आप वो वीडियो देखिएगा जरूर। चलिए देखते हैं हमारी अगली ट्रिक, यानी कि अगला घरेलू उपाय कौन सा है, जिससे हम बहुत ही आसानी से अपना मस्सा गायब कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू होते हैं। हमारा घरेलू अगला उपाय है ये एप्पल। हमारे मस्से के लिए ये एप्पल भी बहुत ही कारगर है। सभी चीजें हमारे रसोई में ही हैं, इससे मस्से से जुड़ी ये एप्पल जो होता है, एप्पल का हमने विनेगर लेना है, एप्पल नहीं लेना है। एप्पल का विनेगर हम थोड़ा सा बाउल में निकाल लेंगे। कुछ यूं हम बाउल में थोड़ा सा निकाल लेंगे, 2 बूंद सा, और उसके बाद हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। और वो सोडा डालने के बाद हम उसे अच्छे से मिला लेंगे। कुछ ऐसा हम थोड़ा गाढ़ा पेस्ट रखेंगे, जैसे हम मंजन करने वाला पेस्ट करते हैं उतना ही गाढ़ा रखेंगे, और वो हम मस्से के ऊपर वाली जगह पर रखेंगे। ये मस्से के ऊपर वाली जगह पर रखेंगे, हल्का जलन होगी लेकिन ये मस्सा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। 2-3 दिन आपको ये करते रहना है, 2-3 दिन बाद ये मस्सा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, दाग इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा और आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और दोबारा कभी मस्से आएंगे ही नहीं। हमारा मस्से का तीसरा और बहुत ही अच्छा उपयोग, ये उपयोग तो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर किया था, उनके पैरों में मस्सा निकला हुआ था, तो उस पर मैंने 2-3 दिन ये यूज किया था और 2-3 दिन में यकीन मानिए बिल्कुल से गायब हो गया और उन्हें फिर कभी ये जरूरत नहीं पड़ी। ये लहसुन, गार्लिक, गार्लिक की आप कलियां जो देखते हैं, ये हमारे सर्दी जुकाम में भी बहुत फायदेमंद है भाई। बच्चों के लिए हमने सर्दी जुकाम का जो वीडियो डाला है आपने देखा ही होगा, उसमें लहसुन कितना ही काम का है। ये हमारा लहसुन, इसको आधा आप कट कर लीजिएगा, छिलके निकाल कर नहीं, छिलके सहित आप कट कर लीजिएगा। उसके बाद आप मस्से वाली जगह पर कुछ यूं ऐसे ऐसे रगड़िएगा, किनारे किनारे, ये ऊपर नहीं होगा, आप किनारे किनारे, हल्का सा जलन होगा, बहुत ज़्यादा जलन नहीं होगी, हल्की सी जलन होगी, लेकिन ये सबसे कम समय में ये बहुत ही जल्दी काम करेगा। 2-3 दिन में आपका ये मस्सा गायब हो जाएगा, कब गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा और इसके दाग भी नहीं रहेंगे और आपका जहाँ भी मस्सा होगा उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको कौन सा घरेलू उपाय पसंद आया ये बताइएगा ज़रूर। आपने कौन सा यूज़ किया आप ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी ये रेनू आपका इंतज़ार करेगी। इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।